तीन महीने से एक वृद्ध न्याय के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है। जैसा कि महागामा निवासी कपिल देव भगत अपनी आपबीती सुनाते हुए कहते हैं कि उन्होंने दो शादी की थी और पहली पत्नी और उनके बेटे ने मिलकर उनको संपत्ति के लोभ से घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। पैतृक गांव दिग्गज सहित महागामा के आवास पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। कपिल देव भगत झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी भी रह चुके हैं और वो अपनी पहली पत्नी और उनके बच्चों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनकी कमाई हुई संपत्ति के बनाए हुए घर से भी उन्हें बेघर कर दिया गया। उसके बाद न्याय की गुहार लगाने कानून के रखवाले यानी कि पुलिस की चौखट पर वो गए। वहां माथा टेका लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो पाई। वो अपनी फरियाद लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर उपायुक्त के पास तक गए। वहां से उपायुक्त ने महागामा अनुमंडल पदाधिकारी को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए। उसके बाद जो हुआ वो आश्चर्यजनक था। कपिल देव भगत अकेले घर से बेघर नहीं हुए, उनके साथ उनका बेटा सूरज और बेटी भी बेघर हुई है। सूरज अपने पिता के साथ करीब तीन महीने से अपनी पढ़ाई छोड़ महागामा में भटक रहा है। कभी इस दोस्त के घर तो कभी उस दोस्त के घर पर पनाह ले रहा है। सूरज जिला प्रशासन की मजबूरी की कहानी अपनी जुबान सुना रहा है। फाइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग रांची DGP के पास गए, अपनी बातों को वहाँ पे रखे। तो बोलते बोलते ये DGP साहब के पास गए थे, जब यहाँ पे इंक्वायरी नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं मिला, तो ये जो आदेश है वो वहाँ से आया। इस पे जांच के लिए वो लोग डिमांड किए हुए हैं, बट यहाँ से अभी तक इस पे कोई इंक्वायरी और रिपोर्ट नहीं भेजा गया है। जन संवाद में भी हमने कंप्लेंट दायर किया हुआ है, जो नोडल ऑफिसर यहाँ पे गोड्डा को दिया गया था, लेकिन उनसे भी यहाँ पदाधिकारी लोग यहाँ से रिपोर्ट नहीं भेज रहे। अभी तीन महीने हो गए हैं इसके। ये जो कागज आप दिखा रहे हैं अनुमंडल दंडाधिकारी का, ये क्या नोटिस? ये ऑर्डर शीट है जो 14 अक्टूबर को फाइनली अभी जो प्रेजेंट SDO है वो दिए है। घर खाली करने का आदेश हुआ है जिसमें फोर्स गई हुई थी घर खाली कराने के लिए, लेकिन फिर से प्रशासन इसमें साथ नहीं दे रहा है। वो लोग सेकंड पार्टी को ही पॉलिटिकल प्रेशर में उन लोगों को ही साथ दे रहा है। यानी कि SDO के नोटिस के बावजूद भी अभी तक फिर से खाली नहीं पाया। और हमने SP साहब से भी दोबारा आपने कांटेक्ट किया? हाँ, बात किया तो उन्होंने बोला कि घर खाली करा देंगे, लेकिन रिसेंटली अभी दो तीन दिनों से वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। SDO साहब SDPO साहब को ऑर्डर किए हुए हैं घर खाली कराने का, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसमें। आखिर जिला प्रशासन इस मामले पर मौन क्यों है? क्यों अधिकारियों के आदेश के बाद भी पुलिस घर के मालिक को घर नहीं दिला पा रही है? आखिर किस दबाव में है जिला प्रशासन? DGP तक के निर्देश को नजरअंदाज कर दिया गया, अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश को भी नहीं माना गया। क्या हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं या देश तानाशाही की तरफ अग्रसर है? ये सवाल उठने लगे हैं। न्याय के लिए भटक रहे कपिल देव भगत ने कहते हैं कि अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा सिवाय आत्महत्या के। अगर मेरी गुहार नहीं सुनी गई तो मैं जिले के तमाम पदाधिकारियों को आवेदन दूंगा और सरकारी दफ्तर के सामने ही आत्महत्या कर लूंगा। मेरा पितृक घर दिग्गी हुआ, मेरा नाम कपिल देव भगत, मैं झारखंड आंदोलनकारी भी हूँ और सीनियर सिटीजन भी। दिग्गी में मेरा संपत्ति 25-26 बीघा जमीन अभी है, जो वही पत्नी का बेटा और सब पत्नी बेटी मिलकर जो दवा करके खा रहा था, और 15-20 बीघा जमीन बचवा के पैसा भी ले लिया। और लेने के बाद मुझे हम महागामा में आके अपने से जमीन लेकर घर बना के रह रहे हैं। यहाँ जो है के तरफ जो है 3-2.5 महीना पहले घर में आके सब घुस गया और ताला लगा दिया, आपको मारपीट करके घर से भगा दिया। क्यों क्यों वो लोग वहाँ से आपके इस घर पे भी कब्जा उन्होंने क्यों किया? जबरदस्ती किया वरिष्ठ आदमी। आप यहाँ किसके साथ रहते थे? हम थे सूरज था और हमारी सेकंड, मेरा बेटा सूरज और मेरी बेटी दीपू थी मेरे साथ, और सूरज की माँ जो है बहुत पहले मर चुकी है, तो हम लोग थे यहाँ। सूरज पढ़ता है बाहर में, कभी कभी आता है यहाँ छुट्टी में। ये लोग अचानक घुसा और हमारे घर में घुस के ताला लगा दिया और हमको मारपीट करके और कहा कि अगर कुछ भी बोलोगे तो रेप केस करके फंसा देंगे हम लोगों को। तो आपको घर से निकाल दिया गया, तो फिर आप शिकायत लेकर कहाँ गए? थाना गए, बड़ा बाबू को दिया आवेदन, गोड्डा में जाकर आवेदन दिए, SP को दिए, DC को दिए, DC साहब SDO को दिए, SDO साहब पहले के जो SDO थे उन्होंने कोर्ट किए, SDPO को बैठाया, CO को बैठाया, और उन लोगों को प्रक्रिया के बाद भी सॉल्यूशन आपका नहीं, घर खाली करने का आदेश भी दिए, लेकिन घर खाली नहीं हुआ और रातों रात दोनों अफसर का ट्रांसफर हो गया। दूसरे SDO आए तो फिर घर खाली करने का आदेश किए, लेकिन घर खाली नहीं हुआ। ये लोग तेरी मेरी करके रह जाता है,
मैंने आपस में और हम आज भटक रहे हैं कहाँ जाए क्या करें, ठंडा का दिन आ गया हमको समझ में, और ये लोग घर मैंने कि हम एक आवेदन देंगे सब सभी पदाधिकारी को, नीचे से लेकर गुड्डा SDO और महकमा SDO और DC SP को, कि अगर हमको अन्याय नहीं मिलेगा तो हम अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष सामने हम आत्मदाह करेंगे। क्या करेंगे जी, क्या हम करेंगे क्या, मैंने लोकल प्रशासन हमको कोई मदद ही नहीं कर रहा है और घर घर हमारा खाली करवा नहीं रहा है, लोग उन्हीं लोगों को उल्टे मदद कर रहा है।